all solids are classified as amorphous and crystalline solid. तो सॉलिड्स जो है जनरली दो टाइप से अपन क्लासिफाई करते हैं। अपन बोलते हैं अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जनरली अपन कहते हैं ऑलमोस्ट जितने भी सॉलिड है मोस्टली तो क्रिस्टलाइन ही होते हैं, कुछ एक ही अमरफस होते हैं। तो अपन क्या करते हैं इसमें डिफरेंस जैसे लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमरफस एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो अपन डिफरेंस लिख लेते हैं अमरफस सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि अपन को अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखना है तो व्हाट इट इज, ठीक है। तो ठीक है, विल राइट दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखते हैं क्या होता है। सॉलिड्स क्या होते हैं और अमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो अपन इनके बीच में अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस लिखने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि भाई अपन को कैसे क्लासिफाई करते हैं अमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले तो अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। स्कूल में अपन एग्जांपल बाद में लिखते हैं लास्ट में, लेकिन यहां पर अपन इसलिए लिख रहे हैं कि भाई हमें पता तो चले कि कौन सा सॉलिड अमरफस है कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। तो जब हमें पता होगा तो उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टीज को सोचेंगे। अब अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे क्रिस्टलाइन होता है तो अपन कहते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इज अमरफस और क्रिस्टलाइन, ग्रेफाइट इज अमरफस और क्रिस्टलाइन। तो अपन कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑल मेटल्स all ionic electrovalent salt, that is NaCl, CuSO4, like that. Then we can write that even CO2 in solid state, it can be a crystalline solid. HCl can be a crystalline solid, iodine can be a crystalline solid, right? Even we can write that H2SO4, अब आपने HCl लिखा है तो H2SO4 तो लिख ही दूंगा। मतलब ऑल दिस कैन बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अगर आपने ये तो CO2 तो गैस लिखते हैं सर, फिर भी आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा, HCl भी गैस होता है फिर भी आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा, इसका मतलब है एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर मॉलिक्यूल भी सॉलिड स्टेट में है तो अपन उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल बहुत है, वरना ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉलिड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन ही होते हैं। अमरफस सॉलिड में वो एग्जांपल लिखेंगे अपन जो कभी क्रिस्टलाइन नहीं हो सकते, जैसे वुड, ये हमेशा अमरफस होगा। प्लास्टिक, ये हमेशा अमरफस होगा। रबर, इट विल बी ऑलवेज अमरफस। तो प्लास्टिक कहीं भी लिखा होगा, वुड या रबर, ये तो इनको अपन अमरफस बोलेंगे। इवन सॉलिड स्टेट में बटर भी होता है, दैट इज अमरफस। तो वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब अमरफस। कार्बन ब्लैक, मतलब कोक जैसे होता है ना, कोल टार, कार्बन ब्लैक, दैट इज अमरफस। ठीक है, फिर ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस, लेकिन अपन पढ़ते रहे हैं solids, लेकिन all liquid and gases they are amorphous. तो like that we are able to differentiate between, जैसे अपने लिखा ना all metal, तो ऐसे अपने all liquid and gases they are amorphous. Anything which can flow is amorphous. Glass, we are talking about window glass, etc. They are amorphous. So anything which can flow or which can shape their shape विथ टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं वो सबके सब अमरफस होंगे।
जो शेप नहीं चेंज करेंगे वो क्रिस्टलाइन होंगे। तो अब ये थोड़ा सा, क्योंकि अमरफस के बड़े लिमिटेड एग्जाम्पल होंगे तो आप उसको ध्यान रखो, इसलिए अपन से जब भी क्वेश्चन पूछेंगे वो अमरफस के एग्जाम्पल पूछेंगे। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड में देयर इज लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मतलब एक के बाद एक काफी सारे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं। इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता, आइदर इट विल बी अ शॉर्ट रेंज और देयर इज नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो देयर इज शॉर्ट रेंज और नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ एटम, या तो उसमें होगा ही नहीं या फिर होगा तो शॉर्ट रेंज होगा। इसमें अपन कहेंगे सॉलिड्स हैव, सो देयर इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब किसी सॉलिड को अपन एक पॉइंट से अगर डिफरेंट डायरेक्शन में उसके प्रॉपर्टीज चेक करें, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो डिफरेंट आती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। लेकिन अमरफस में ऐसा नहीं होता, अमरफस में सारे डायरेक्शन में किसी में भी आप चेक करोगे तो दे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज। सो दीज आर कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक। अगर किसी सॉलिड्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट डायरेक्शन में तो उसको एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं, अदरवाइज आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो देयर इज इसमें ना वी कैन राइट दैट देयर इज सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। जैसे गैसेस होते हैं तो होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं ना, गैसेस होमोजेनियसली मिक्स होंगे तो सभी डायरेक्शन में डेंसिटी एक जैसी होगी, सभी डायरेक्शन में अपन अज्यूम करेंगे कि जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी डायरेक्शन में एक जैसे होंगे, सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शंस। सो दीज आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, दीज आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, तो इनको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। अब अगर अपन चेक करेंगे कि थर्ड फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एकदम शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, दे हैव दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो जैसे अपन कहेंगे कि अगर कोई मान लो किसी सॉलिड है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री है, तो मेल्टिंग पॉइंट में अपन बता सकते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट मींस व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अपन कहेंगे इफ अ सॉलिड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट विल मेल्ट इन द रेंज ऑफ दैट इज 80 प्लस माइनस 0.5, मतलब इस रेंज में कहीं भी 79 पे मेल्ट होना शुरू होगा और 80 तक मेल्ट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 79.5। ये अपन कहेंगे इट विल बी 80.5 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 80 के आसपास मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अपन क्रिस्टल अमरफस की बात करें, सो अमरफस सॉलिड विथ 80 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट
will start melting at. तो जब कोई अपन कहेंगे किसी amorphous solid का अगर 80 degree melting point है तो it will start melting at suppose करते हैं अपन 60 degree centigrade and melt completely at 80 degree centigrade. तो मतलब ये पहले से यहां पर सरफेस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे 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 मेल्ट होते होते 80 डिग्री पे वो पूरा मेल्ट हो जाएगा. किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट अपन उसको तब बोलते हैं जब वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, देन इट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ऐसे नहीं कि सरफेस पे जो मेल्ट होना शुरू हो गया तो अपन उसे मेल्टिंग पॉइंट बताना शुरू कर देंगे. दैट इज व्हाट आई मीन बाय द मेल्टिंग पॉइंट. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो उनमें एक शार्प कट आएगा. सो दीज गिव अ शार्प कट व्हेन डिवाइडेड इन पीसेस. तो अपन इसको ना दूसरे पेज पे लिख लेते हैं फिर अपन, ठीक है. पॉइंट नंबर 5 अपन दूसरे पेज पे लिख लेते हैं. तो अगर इनको अपन कट करेंगे तो दे विल गिव द शार्प कट. अपन यहां भी लिख लेते हैं अमरफस और क्रिस्टलाइन थोड़ा सा. वैसे तो ज्यादा नहीं लिखना है अपन को, लेकिन स्कूल में लिखने के लिए डिफरेंस लिखने के लिए अपन से जरूर पूछते हैं, और स्कूल में जो पूछते हैं वो उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं आता इन इन में मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन और अमरफस में. सो क्रिस्टलाइन और अमरफस तो अपन कहेंगे दे गिव्स अ शार्प कट व्हेन डिवाइडेड इन डिफरेंट. दे गिव्स sharp cut when divided in different pieces, divided in different pieces. तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई सॉलिड है ना अपने पास और अगर अपन उसे कट करेंगे तो वो एकदम शार्प कट देगा ऐसे, राइट. एकदम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा लेकिन एकदम शार्प कट देगा. लेकिन अगर वही चीज अपन अमरफस में लिखेंगे ना तो डू नॉट गेट गिव शार्प कट, गिव शार्प कट. तो शार्प कट मतलब अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना अपन ऐसे तो वो ऐसे देगा अपन को, इस टाइप से डिवाइड होगा, इधर उधर हो जाएगा. देन इट इज कॉल्ड That is amorphous. तो उससे भी फन, जैसे वुड कटिंग आपने कभी देखा होगा तो वुड जब कट करते हैं ना तो उसमें कभी शार्प कट नहीं आता, उसको शार्प बनाया जाता है वुड को, है ना. वुड में कभी शार्प कट नहीं आता, उसको शार्प बनाया जाता है, उसमें शार्प कट नहीं है. दे हैव डेफिनेट और वी कैन राइट दैट. अब इसमें अपन पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं क्योंकि मतलब स्कूल में लिखने के लिए अपन को पॉइंट चाहिए. तो वी कैन राइट दैट इसमें ना दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी इन ऑल डायरेक्शन. सेम इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, electrical and thermal conductivity in all directions, conductivity in all directions. इसमें ऐसा नहीं होगा तो इसमें अपन स्कूल में पूरा लिखना, इसमें मना कर देना मुझे, ठीक है. और that is about we can write. ये difference है. तो एग्जाम्पल इसमें अपने लिए काफी मैटर करेंगे. ये जो एग्जाम्पल अपन ने लिखे ये आप ध्यान रखना कि अमरफस के लिए क्या होता है और क्रिस्टलाइन के लिए क्या होता है, ये अपन से पूछेंगे. तो दैट इज अबाउट दैट, मतलब वी कैन से द क्लासिफिकेशन. अब अपन देखते हैं कि भाई अब होता क्या ना, ऐसे भी होता है अमरफस सॉलिड कैन बी कन्वर्ट इंटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड. अपन किसी अमरफस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं या वाइस वर्सा है.
कैसे? सो अमर्फस सॉलिड, सम ऑफ द अमर्फस सॉलिड, सो समटाइम्स अमर्फस सॉलिड सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल। बट एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था साफ साफ, ये वाले एग्जाम्पल कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं बन सकते, ये वाले एग्जाम्पल कभी भी क्रिस्टलाइन नहीं बन सकते। मैं इनमें से कुछ एग्जाम्पल की बात करूंगा। जैसे मान लो मेरे पास CO2 गिवन है, CO2 सॉलिड है लेकिन ये अमॉर्फस है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा सो दैट इट विल मेल्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें दो टाइप से इसका कूलिंग कर सकता हूं, ऑन स्लो कूलिंग इट गिव्स क्रिस्टलाइन CO2, वो पैकिंग बड़ा अच्छा हो जाएगा, एंड ऑन राइट ना फास्ट कूलिंग उसमें रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगा, इट गिव्स अमर्फस CO2। तो अगर फास्ट कूलिंग होगा तो रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगा, तो लाइक दैट वी कैन राइट। लेकिन ये अपन से कभी पूछेंगे कि भाई अच्छा बताओ, किसी क्रिस्टलाइन को अमर्फस में और अमर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग कि आपने किस टाइप से कूलिंग किया। लेकिन ये वो एग्जाम्पल थे जिनको अपन कभी भी अमर्फस से क्रिस्टलाइन नहीं बना सकते इन एनी कंडीशन। ये वाले इसमें अपन किसी भी कंडीशन में अपन अमर्फस से क्रिस्टलाइन नहीं बना सकते, इसलिए मैंने उसको प्योरली अमर्फस वाला एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है? अब इसमें अपन से पढ़ते हैं कुछ, मतलब ऐसे भी लिखते हैं। अब सॉलिड्स लिखे तो सर आपने एक बात है, ये बताओ आप कि मतलब यहां पर आपने आयोडीन भी लिखा, CO2 भी लिखा, हमें तो ये पता था कि CO2 गैस होता है, आप कह रहे सॉलिड में क्रिस्टलाइन होता है, लाइक दैट आप लिखते हैं। तो एक बार बता दो आप कि ये जो आप लिख रहे हो अमॉर्फस या सॉलिड्स आपने लिखे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इनमें कितने टाइप के सॉलिड्स होंगे, मतलब टाइप इनको इनको कैटेगराइज कर दो कि कौन सा टाइप का सॉलिड है। ये आयनिक कंपाउंड भी है, मेटल भी है, यहाँ पर अपन कोवेलेंट कंपाउंड भी है, तो बहुत सारे कंपाउंड दिख रहे हैं मुझे, तो अपन टाइप्स ऑफ सॉलिड बता देंगे। तो अपन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, ऑफ सॉलिड्स। अब अपन इनको भी ना टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को भी ना टेबल बना के लिख सकते हैं, लेकिन अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक होता है आयनिक सॉलिड, solids in which cations and anions are present, right now forces, electrostatic force between the cations and anions, ठीक है ना? और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन कैटाइन्स एंड एनाइंस, द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, अपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है कि दे आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब कि जैसे HCl का बॉन्ड है ये तो डायरेक्शनल होगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे, Cl की तरफ। लेकिन अगर NaCl होगा तो अपन क्या बोलते हैं, ईच Na इज सराउंडेड बाय 6 Cl, सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द सोडियम एंड बहुत सारे क्लोराइड्स, तो किसी एक डायरेक्शन में फोल्ड अप नहीं होता, इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स है, बिकॉज ईच कैटायन इज
surrounded by anions. By anions and vice versa. Anion is surrounded by cations. तो पहले से बता सकते थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज में क्या है। तो अगर आयनिक सॉलिड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी and thermal conductivity, like that we connect that. अब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट से जैसे NaCl वगैरह है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब शो करेगा? एक्वस सोल्यूशन when we have free ions. एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लिखेंगे अपन NaCl है, CuSO4 है, right, all which can form a ions in the solution. तो अपन कोई भी example उसमें लिख सकते हैं। तो किसी में भी अगर cation anion है तो अपन उसको example में लिखेंगे इसमें। It can be any. हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर वो cation anion देता है तो फिर वो इसका example है। अब अपन कहेंगे एक होता है covalent solid और एक होता है molecular solid. तो पहले अपन एक molecular solid लिखते हैं। अगर अपन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे ना तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं, CO2 सॉलिड, HCl सॉलिड, Cl2 सॉलिड, ठीक है, Cl2 को सॉलिड स्टेट में लिखेंगे, दैट इज Cl2 सॉलिड। वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स, SO3 सॉलिड, अमोनिया सॉलिड, राइट, वी कैन राइट दैट H2SO4 सॉलिड, P4 सॉलिड, S8 सॉलिड, लाइक दैट वी कैन राइट द एग्जांपल एक्सेट्रा। तो इनमें जो फोर्सेस होते हैं वो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, सो वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एच बॉन्डिंग, मतलब जो वीक फोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो विल से दैट प्रॉपर्टीज में दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इफ HCl टाइप मॉलिक्यूल होगा तो इट कैन शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट इन एक्वस सॉल्यूशन, अदरवाइज जैसे P4 है, एसिड है, दे विल नॉट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो देर इज वंडरवाल फोर्सेस, नाउ वी हैव रिटन द वंडरवाल फोर्सेस, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल में होता है एक डाइपोल वाला मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और अगर सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, नोबल गैसेस में जो होता है, इधर भी अपन नोबल गैसेस देख सकते हैं, but they should be in solid state. इधर भी अपन noble gases को लिख सकते हैं लेकिन उनको solid state में लेना पड़ेगा, है ना, एक लिख लिया example so that कि आपको पता रहे। Now we'll read the third type. Molecular solid के बाद covalent solid. अभी अपन कहेंगे सर हम तो यही पढ़ते थे कि ये covalent molecules हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है और कोवेलेंट सॉलिड भी ये होने चाहिए, तो कोवेलेंट सॉलिड ये नहीं होते। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं दे आर जॉइंट मॉलिक्यूल,
giant molecule with large network of atom. Large network of atom. Of atom. अभी लार्ज नेटवर्क ऑफ एटम मतलब जैसे अपन लिखेंगे देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एटम मतलब तो अपन लिखेंगे डायमंड ग्रेफाइट कार्बोरंडम दैट इज सिलिकॉन कार्बोनेट सिलिकेट्स SiO2 इवन सिलिकॉन इटसेल्फ एग्जिस्ट एज कोवेलेंट सॉलिड पॉलीमेरिक होता है सिलिकॉन इटसेल्फ. तो जो बड़े मॉलिक्यूल मतलब जो मतलब लार्ज नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं उनको अपन कहते हैं दैट इज अ कोवेलेंट सॉल्ट. अभी फोर्सेस की बात करेंगे तो इनमें भी होते वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं लेकिन बहुत बड़े एरिया पे होते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस. फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑन लार्ज सरफेस एरिया. लार्ज सरफेस एरिया. सो लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से मतलब उसमें काफी ज्यादा आपस में अट्रैक्शन क्योंकि अगर छोटा सरफेस एरिया होता है तो कम होता है लेकिन अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो वैसे ही वैसे मतलब बहुत सारे एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा तो बढ़ता जाएगा. तो अगर अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे डायमंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड. वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैव हाई थर्मल कैपेसिटी. थर्मल कंडक्टिविटी बहुत सारे आइटम होंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा ही होगा. So there is a difference between the covalent solid and a molecular solid. So इस बात को ध्यान रखना कि भाई molecular solid और covalent solid में difference होता है. अपन ने ये जो इसके सामने लिखा हुआ है ये मैंने diamond के सामने मैंने example लिखा हुआ वो यहाँ तक network of atom लिखा ना उसके बाद example ही शुरू कर दिया. यहाँ पर ऐसे फुल स्टॉप ना तो एग्जांपल अपन ऐसे लिखना शुरू कर दिया. व्हाट आर द एग्जांपल भी है तो कुछ एग्जांपल अपन ने लिख दिया. सो दिस आर फ्यू एग्जांपल. तो ठीक है सो वी गॉट दैट व्हाट इज कोवेलेंट सॉलिड. नाउ वी कैन राइट मेटालिक सॉलिड. अभी मेटालिक सॉलिड में जो मेटल का प्रॉपर्टीज होगा वो आप लिख लो उसमें आपको पता है देयर इज राइट ना देर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द स्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन जो अपन ने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में पढ़ा चार्ज kernels and mobile electron on metal surface as in electron c model अपन ने जो पढ़ा था electron c model पढ़ा था ना अपन ने chemical bonding में c model उससे अपन बता सकते हैं. अब फोर्सेस तो अपन कहेंगे भाई देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आपने वैसे ही लिख दिया यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स अमंग इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स
और अगर अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स है, दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई टू लो हो सकता है, टू लो हो सकता है, वेरी हाई टू लो क्योंकि बिकॉज वेरी हाई मतलब हो गया भाई जैसे अपन लिखेंगे तो आयरन वगैरह उनका काफी ज्यादा होता है, लेकिन मर्क्यूरी तो लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वेरी हाई टू लो लिखेंगे. So like that we can write, but high electrical and thermal conductivity. But high electrical and thermal conductivity. Conductivity. और malleability, ductility वो सब आपको पता है, वो discuss करने की जरूरत है. So these are the मतलब we can say that. अब आपको पता चल गया कि भाई देखो यहाँ पर जो अपन ने सॉलिड लिखे थे, यहाँ पर जो आप क्लासिफाई कर रहे थे आयनिक सॉलिड, इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड, ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड, ऑल मेटल मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक कंपाउंड होगा तो आयनिक सॉलिड, मेटल होगा तो मेटालिक सॉलिड, और जॉइंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोवेलेंट सॉलिड्स. दैट इज द डिफरेंस between the solids, right? तो ये अपन ने difference लिखा between the solids. अब अपन ने properties देख लिया भाई, अपन ने देख लिया कि भाई एक किसी solid को अपन convert भी कर सकते हैं crystalline से amorphous में या amorphous से crystalline में, depending on कि आप उसे कैसे cool कर रहे हो after heating, वो अपन ने देख लिया. अब अपन check करते हैं, that is कुछ solid state में कुछ terms use होंगे, अपन उन terms को पढ़ लेते हैं. तो अपन कुछ टर्म्स जो इसमें यूज होंगे उन टर्म्स को अपन पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर शुरू कर लेते हैं. अभी सॉलिड्स इससे ही काफी सारा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना है, स्कूल में बहुत क्वेश्चन आते हैं सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड या टाइप ऑफ सॉलिड से रिलेटेड. एक तो बार बार वर्ड यूज होगा यूनिट सेल, तो अपन कहेंगे इसको किसी भी सॉलिड, मेरे पास एक बहुत बड़ा सॉलिड है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकालते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन, जिससे कि मैं सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज बता पाऊं. तो ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिससे मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज बता पाऊंगा इज कॉल्ड यूनिट सेल. तो अपन कहेंगे द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सॉलिड, पोर्शन ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड बाय विच we can explain explain all the properties of solid, the properties of solid, of solid, jaise arrangement of atoms, arrangement of atoms, density of solid, etc. मतलब अगर उस टाइप के अपन explain कर पाए तो अपन उनको कहते हैं that is right the unit cell, है ना, density of solid तो etc. we can say that it is called unit cell. तो किसी भी solid का smallest portion जो होता है जिससे हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं उसको यूनिट सेल बोलते हैं, और वो सॉलिड इसी टाइप के यूनिट सेल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. मतलब इसी टाइप के अरेंजमेंट बनाते जाओ, यूनिट सेल का अरेंजमेंट बनाते जाओ, रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल विल गिव यू द सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड है. सो रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल विल गिव अस will give the complete solid. So unit cell is the building block of any solid. So ek to unit cell hota hai, dusra hota hai lattice point. Abhi lattice point ka matlab hota hai the position at which
at which the solids are present, the at which the atoms are present. Are present is called unit cell. Third, we can write that. That is, we can write that symmetry elements. तो अगर कोई solids होगा तो उनमें symmetries भी होती है. तो सिमेट्री एलिमेंट में अपन को पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है. इन एनी सॉलिड्स सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज इक्वल टू वन. जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो हमेशा वन होता है. बाकी दूसरे सिमेट्री काफी सारे हो सकते हैं लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होगा. तो मान लेते हैं अपन एक सेंटर ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं कि किसी एक क्यूब बना लेते हैं और उसमें अपन चेक करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री एक क्यूब बनाने के बाद. ठीक है ना, तो अपन एक क्यूब बना लेते हैं. मान लो अपने पास एक क्यूब है और अपन एक क्यूब बना लेते हैं इसे. ये अपन ने एक क्यूब बना लिया. तो किसी भी क्यूब में अगर अपन चेक करेंगे ना, जैसे अपन को क्यूब बनाना है तो अपन ने पता है ये क्यूब है. एक क्यूब है. तो अगर इस क्यूब में अपन ड्रॉ करें, जैसे अपन इसमें चेक करते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द क्यूब, क्योंकि क्यूब इज द मोस्ट सिमेट्रिक सॉलिड. क्यूब इज द मोस्ट सिमेट्रिक सॉलिड. सिमेट्रिक सॉलिड क्यूब होता है, दैट इज द मोस्ट सिमेट्रिक सॉलिड. सो इट हैज टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज. ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो तो वन ही हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब दोनों दोनों लाके 22 होते होंगे. अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा ना, तो 3 + 4 और एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा तो 3 + 4 + 6 टोटल आएगा 23. अब इसमें अपन कहेंगे सर ठीक है आपने लिखा लेकिन ये 23 मतलब आया कैसे, ये और बता दो आप, है ना. एक बार देखते हैं अपन, 23 आ गया ना, 6, 10, 13, 3 कितना हो जाएगा, 16, 20 है तो 21 आ रहा है. इसमें 2 और कौन से है, आठ चार छ, 21 कैसे है? मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है और कोई आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री. ट्वेंटी वन क्यों, 23 होना चाहिए टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. तो 3, 8, 6 एक मिनट देखना, मैं चेक कर लेता हूँ. प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, एक मिनट रुकना है. चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे, अपन मुझे समझ में आ जाएगा, ड्रॉ करूंगा ना तो मैं देख लूंगा. मेरे ख्याल से ये मेरे का पास 6. चलो ड्रॉ करके देखते हैं अपन, तो क्या असर पड़ेगा. सर आपने लिखा तो है कि 23 टाइप आते हैं, चलो अपन देखते हैं. अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है इसका एक सेंटर पॉइंट जिससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप एक्सिस ड्रॉ करोगे तो सेम डिस्टेंस पे आपको एटम्स मिलेंगे.
तो आप इसके सेंटर पॉइंट में क्यूब के अगर सेंटर से डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सिस ड्रॉ करोगे ना, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो वो तो सभी में होगा डायगोनली अगर आप ड्रॉ करोगे तो। अगर इससे आप डायगोनली ड्रॉ करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो तो सभी डायरेक्शन में, तो इट इज लाइक अ सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर पॉइंट राइट ना। सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा अपन को ये भाई कि सेंटर पॉइंट पे अपन को चेक करना है जिससे कि वो बैलेंस रहे। इसमें क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में अपन को अगर एक्सिस ड्रॉ करने हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे एटम आ जाए। ये कॉर्नर जो है ये अपन को पता है, इसमें 8 वर्टेक्स है, 8 कॉर्नर है, 6 फेसेस है और 12 एजेस है। ये अपन को पता है कि इसमें 12 एजेस है, एज होंगे, ये किसी को डाउट नहीं। एजेस अपन को दिख भी रहे हैं, ये 4 पीछे वाले, 4 बाहर वाले और 4 ये वाले, 1 2 3 4। एक्चुअली जो ये नंबर लिखे हुए हैं तुम देखोगे तो ये जो नंबर आपने लिए ना, इनके हाफ लिखे हो, मतलब 3 लिखने का मतलब है कि आपने इनको फेस से बनाया, 6 लिखने का मतलब है कि आपने इनको एज यूज करके बनाया। ये इनको आपने फेस यूज करके बनाया, इनको आपने एज यूज करके बनाया, और इसको आपने वर्टेक्स यूज करके बनाया, मतलब कॉर्नर। तो चलो देखते हैं कैसे। अगर मान लो अपन कहेंगे जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पता चल गया अपन को, वो एक ही हो सकता है किसी में, किसी और पॉइंट पे सेंटर ऑफ सिमेट्री बनेंगे, तो 3 की बात करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप फेस की बात कर रहे हो। अगर मैं किसी सॉलिड को इसको इस फेस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ऐसे कट कर देता हूं यहां से, तो इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। मतलब आपने एक सॉलिड लिया, तो अपन ने ऐसे कट कर दिया, तो इधर वाला पार्ट एक और इधर वाला पार्ट एक, वो बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इधर से। तो अगर इधर से होगा तो इधर से भी होगा, और इधर से होगा तो इधर से भी होगा। भाई एक इधर से आप डिवाइड करो तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे ऊपर नीचे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, और एक ये आगे की तरफ और उधर पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी डिवाइड हो सकता है। तो वो 3 हो गया फेस। एजेस से बनाएंगे अगर अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो चलो भाई ऐसे कर लेते। अगर अपन चेक करें एज को, तो अपन ऐसे बता सकते हैं भाई ठीक है मैं एज से बना सकता हूँ। देखो ये मान लो अपने पास एक क्यूब बना हुआ है, और अपन कहेंगे सर ये क्यूब है मान लो अपने पास, तो अपन कहेंगे इस क्यूब में अगर मैं 2 एज को यूज करके एक फेस बना सकता हूँ, तो अपन कहेंगे बना के दिखा दो कौन सा फेस मैं कर लेता हूँ। तो अपन कहेंगे देखो अगर अपन ऐसे उसको यूज कर ले, अगर अपन इस वाले फेस की बात कर ले यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक और ये वाला फेस, अगर अपन ये वाला फेस देखें तो देखो मतलब इन दोनों से ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक जैसा दिख रहा है, तो मैंने डायगोनली फेस एजेस ना, अपोजिट फेस एजेस डायगोनली, ये वाला और ये वाला, तो ये ऊपर वाला पार्ट और इसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। तो अपन कहेंगे ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो फिर अपन उसमें इसको 2 एज को मिला के बना सकते हैं। तो आप इन दोनों एज को मिला के एक बता रहे हो, तो इन दोनों को भी मिला के एक बताओगे, मतलब तो फिर आप एक ऐसे भी बता सकते हो सर, फिर तो आप एक ऐसे भी बता सकते हो, है ना, फिर तो अपन ऐसे ही बता सकते हैं सर। भाई आप एक एज इधर ले लो
और इस एज से फिर आप इस एज को दे दो और इस एज से आप इस एज को ले दो, ले सकते ना अपन इस एज को ले लें। तो अपन ने क्या किया, कौन कौन से वो ले लिए अपन ने, तो अपन कहेंगे सर आपने ये वाला कॉर्नर, मतलब अपन ने फिर ये वाले कॉर्नर टाइप ले लिया अपन ने, फिर आपने इन कॉर्नर से बना दिए एक फेस। अब वो अच्छे से अपन को दिखेगा नहीं, लेकिन आपने जैसे इन चार कॉर्नर से बनाया था अपोजिट वाले, वैसे सभी अपोजिट वालों से बना दूंगा, ये दोनों और ये दोनों से भी बनाऊंगा, तो अपोजिट में अपन को एजेस से ये मिल जाएगा। सो एज राइट ना, तो अपोजिटली चार्ज, तो अपन ऐसे बना सकते हैं इसमें। अब क्या है अपने पास, फिर फेस से अब एक्सेस की बात करते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, किसी का डाउट होगा तो बता देगा। अब अगर अपन एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो अपन कहेंगे ठीक है एक्सेस ऑफ सिमेट्री बता देते हैं। अब इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर बताना है बिल्कुल, तो अपन कहेंगे एक सॉलिड है जैसे अपने पास, तो इन दोनों एक्सेस जैसे इसका सेंटर ले लो और इसका सेंटर ले लो और यहां एक एक्सेस ड्रॉ कर लो, इसका फेस सेंटर और इसका फेस सेंटर, इन फेस सेंटर से अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये वाला सेम फेस 360 डिग्री पे कितने बार दिखेगा, 360 डिग्री बार रोटेशन पे चार बार, तो अपन कहेंगे सी एन एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा तो सी फोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसमें, एक बार इस एक्सेस से बनाऊंगा, एक बार इस एक्सेस से बनाऊंगा और एक बार पीछे और आगे वाले एक्सेस से बनाऊंगा फेस सेंटर से। तो यहां पर अपन ने ये फेस सेंटर से बनाया, जैसे यहां पर तीन बना रहे थे अपन फेसेस, वैसे यहां फेस सेंटर पर से बनाया, एक्सेस ड्रॉ करनी पड़ेगी ना अपन को। तो अब वर्टेक्स से बनाएंगे तो अपन कहेंगे वर्टेक्स से बना देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो वर्टेक्स से बना देते हैं। अब अगर मुझे वर्टेक्स से एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा फिर वर्टेक्स से, मान लो अपने पास ऐसे कितने हैं, तो वर्टेक्स से बना के देखेंगे, कहेंगे वर्टेक्स से बनाना है तो वर्टेक्स से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो अपन कोई भी दो वर्टेक्स ले लेते हैं, वर्टेक्स होते कितने हैं, तो अपन को पता है कि आठ वर्टेक्स होते हैं, तो अपन क्या करते हैं एक वर्टेक्स ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जैसे इन दोनों से देख लेते हैं ना कि भाई अगर आप वर्टेक्स से देखना चाहते हैं तो अपन इन दोनों से बना देते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ये वाला जो वर्टेक्स है इसको थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं ऐसे। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस वाले वर्टेक्स मतलब इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूंगा ना तो पहले ये वाला जैसे फेस होगा वैसे ये वाला भी आ जाएगा 180 डिग्री रोटेट करने के बाद। तो वर्टेक्स में अपन बॉडी डायगोनल ले रहे हैं, सो वर्टेक्स में बॉडी डायगोनल लेने वाला, तो बॉडी डायगोनल में कितने हो जाएंगे, एक बार जैसे आपने इससे और इससे बताया वैसे ही आप इससे और इससे भी बताओगे, बिल्कुल वैसे ही आप इससे भी बताओगे और आप इससे भी बताओगे, इससे भी बताओगे, तो चार हो। अब अगर एज के लिए बताना है तो अपन कहेंगे एज के लिए बताना है क्योंकि सिक्स लिखा होगा, तो अपन एज सेंटर लिख सकते हैं इसमें, एज सेंटर कैसे सर, तो अपन कहेंगे देखो ना अगर मान लो मैं यहां से एज सेंटर की बात कर रहा हूं, अगर मान लो मैं यहां से ऐसे एक एज ड्रॉ करता हूं इसके सेंटर तक ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो यहां पर मेरे पास इसका एज सेंटर लिया अपन ने और इसका एज सेंटर लिया। अब अपन इसको रोटेट करते हैं, अब अगर अपन इसको रोटेट करते हैं तो नाउ व्हाट विल हैपन, तो अपन कहेंगे अगर इसको रोटेट करेंगे ऐसे तो इसमें सी टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ रही है,
जब आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला उधर चला जाएगा फेस, और नीचे वाला फेस इधर बाहर आ जाएगा, तो सिमेट्रिक दिखेगा ना अपन को। ऐसे ही आप दो एज लेके एक बना रहे हो तो यहां 12 एजेस हैं, है ना। सो बाय टू एज फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल में वी गेट 1c2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो 12 एजेस में कितने होंगे, फ्रॉम 12 एजेस वी गेट राइट ना, 12 एजेस से कितना हो जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। सो दैट इज अबाउट द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सो इन अ क्यूब देयर आर ओवरऑल राइट ना, वी गॉट दैट एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज, और आपको सभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के डेफिनेशन पता है, और मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा भी हुआ है वो क्या होगा, ठीक है। अब अपन फिफ्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट बिल्कुल फोर्थ पॉइंट। तो उसमें अपन लिख लेते हैं इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल। एक्चुअली इंटरफेशियल एंगल क्या होता है कि जैसे अपन ड्रॉ करेंगे कि भाई अपने पास ऐसे गिवन है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं अपन, तो 3D स्ट्रक्चर में इंटरफेशियल एंगल भी पढ़ने होंगे अपन को। जैसे इसके अलोंग एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो, एक जेड ले लो, तो इंटरफेशियल एंगल भी पढ़ने होंगे। तो ठीक है, वी कैन राइट दैट इंटरफेशियल एंगल। अब इसमें एज ले लेते हैं अपन, ये एज ए हो गया, एज बी हो गया, एज सी हो गया, क्योंकि जैसे क्यूब बना हुआ है तो अपन इसमें एक बना सकते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस के अलावा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अगर अपन एक्स एक्सिस के अलावा बनाएंगे तो इसमें इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, और इसको जेड मान लेते हैं, इसको जेड। तो अपन को पता है कि भाई एक्स वाई जेड क्या है। अब अपन ने कहा कि भाई ठीक है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, तो इनको ना एजेस बना दिए, एज लेंथ ए, ये एज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सो वेर ए बी सी रिप्रेजेंट्स द एजेस इन अ सॉलिड अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो द एंगल बिटवीन द एजेस आर कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल। अब एक्चुअली जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं ना, उनको अपन डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा से, वेर अल्फा बीटा गामा गामा आर इंटरफेशियल एंगल। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अल्फा बीटा गामा आप बता दो कौन कौन से हैं, तो हम लिख लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज गामा। तो एक्चुअली अब अल्फा बीटा गामा हमेशा फिक्स होते हैं, जैसे अल्फा जो होता है ना ये बिटवीन बीसी होता है, जो बीटा होगा दैट विल बी बिटवीन एसी होगा, और गामा हमेशा जो होगा ना दैट विल बी बिटवीन एबी होगा। तो अपन ये बिटवीन वाले पार्ट को हटा देते हैं कि भाई हमें ये बिटवीन वाला पार्ट नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा गामा जो होते हैं फिक्स होते हैं, तो अल्फा हमेशा ए के अपोजिट में होगा, बीटा हमेशा बी के अपोजिट में होगा, और गामा हमेशा सी के अपोजिट में होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ऐसे बताना पड़ेगा अपन को अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये इंटरफेशियल एंगल मतलब हमेशा फिक्स होंगे, अगर आप इसको ए लिखोगे तो मैं यहां पर अल्फा लिखूंगा,
इसको भी लिखोगे तो यहाँ पर बीटा लिखूंगा। सो लाइक दैट वी रिक्वायर अल्फा बीटा गामा, लेकिन अपन क्या करेंगे, हमेशा इस डायरेक्शन वाले को ए बता देंगे, इस वाले को बी बता देंगे और इस वाले को डी बता देंगे। तो जब भी कोई बताएंगे यार डी क्यों पहुंच गया, हाँ तो जब भी कोई अपन अल्फा बीटा गामा लिखेंगे तो उनको पता रहेगा कि अल्फा अपन यहाँ लिखने वाले, बीटा अपन यहाँ लिखने वाले और गामा अपन यहाँ लिखने वाले। ये अंदाज हो जाएगा जब भी कोई सॉलिड सॉलिड अपन ड्रॉ करें, दैट इज आर्टिफिशियल एंगल। अब अपन चेक करेंगे दैट इज, अब डेंसिटी वगैरह तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेंसिटी वगैरह तो अपन को आता है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। तो एक्चुअली यूनिट सेल के डेंसिटी अगर कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, सो वी कैन राइट दैट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब अगर आप डेंसिटी की ऑफ यूनिट सेल की बात करोगे, ऑफ यूनिट सेल, तो मैं कहूंगा कि फिर तो वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, तो अपन को लिखना होगा मास ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, क्योंकि वो तो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा ना, तो वो अपन को बताना। तो मास ऑफ एटम में क्या होता है, फिर अपन डेंसिटी का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट, तो वन मोल का मास होगा, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं आप इसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। तो अगर एटॉमिक वेट को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो एक एटम का मास होता है, मल्टीप्लाई बाय ऐसे लिख लेंगे अपन नंबर ऑफ एटम, किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए अगर क्यूब है तो अपन एक क्यूब ले सकते हैं, ए इज एच लेंथ, मतलब अपन लिख सकते हैं वेर एन ए, तो एवोगाड्रोस नंबर अपन को बताने की जरूरत नहीं, जेड इफेक्टिव इज नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इन अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम थे है ना, तो एक एटम का मास अपने पास है और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो वो टोटल मास आ जाएगा, एंड ए इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लिया अपन ने, बिकॉज ए इज एज लेंथ, तो क्यूब क्या आ जाए, क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। सो ए क्यूब अपन ने वो एज एज लेंथ, तो उसका क्यूब लेके अपन ने वॉल्यूम लेके कैलकुलेट करके बता दिया। बट अगर कोई दूसरा शेप होगा क्यूब के अलावा तो ठीक है उसका वॉल्यूम ले लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन उसका वॉल्यूम लेके बता देंगे। तो वी कैन राइट दैट, अब इसमें एक वर्ड होगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जो होता है, तो अब वो वर्ड वैसे अपन को बता रहा है कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज पैक्ड, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब अगर अपन देखेंगे तो सर आपने यहाँ पर साफ साफ तो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, मतलब फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल, ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल, इन द यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन, बिल्कुल। एंड द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड, द रेस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड, ऑफ द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड, स्पेस इज कॉल्ड राइट वॉइड फ्रैक्शन।
पॉइंट मतलब खाली चीजें, फ्रैक्शन, ठीक है. तो वी गॉट दैट व्हाट इज पैकेट फ्रैक्शन, व्हाट इज वर्ड फ्रैक्शन. सो वी कैन राइट लाइक दिस. नाउ वी कैन राइट द सेवंथ पॉइंट. सो ब्रेवेस्ट लेटर्स, राइट. अब ब्रेवेस्ट लेटर्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रेवेस यूनिट सेल्स के बारे में बता रहे. अकॉर्डिंग टू ब्रेवेस, ब्रेवेस राइट, अकॉर्डिंग टू ब्रेवेस अपन टू मतलब टू डायमेंशनल सॉलिड की बात नहीं कर रहे अपन सीधा, क्योंकि अपने सिलेबस में थ्री डायमेंशन है. The three-dimensional solids that can exist in nature, that can exist in nature, are of 28 types. So, but due to atmospheric condition, atmospheric condition, so due to atmospheric conditions only 14 type exist on earth. मतलब वो 3D solids में 28 types पूरा universe में बता रहा है कि 28 types of solid can exist in the universe. लेकिन but due to atmospheric condition of earth पर 14 types होता है. Atmospheric conditions only 14 types of solids can exist on earth. On earth. So he says that on earth, is solid mein kya hota hai, jo solids hai na, that there is 7 types of crystal system, each can have 4 types of arrangements, 4 type of arrangements. तो उसमें 4 type of arrangement हो सकता है. तो चलो भाई देखते हैं, ये 7 crystal हैं, 4 types of arrangement है, तो 7 into 4, क्योंकि each can have लिखा आपने, तो 7 into 4, 28 types होना चाहिए, but due to atmospheric condition, only 4 type exists. तो let us check, कि वो 7 type of arrangement कौन सा है. So, 7 crystal shapes. जो 7 crystal shape होते हैं, उनमें एक होता है cubic, hexagonal, monoclinic, orthorhombic. Rhombohedral. And triclinic. अभी तो सिक्स हुआ, टेट्रागोनल एंड ट्राइक्लिनिक ये होते हैं भाई. ईच कैन हैव 4 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो ये तो क्रिस्टल शेप होगी, तो 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जो पॉसिबल है, बट उतना एग्जिस्ट नहीं कर पाता है. टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो एक टाइप के अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं जैसे सिंपल और प्रिमिटिव. प्रिमिटिव यूनिट सेल,
एक अरेंजमेंट हो सकता है दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स। एक होता है दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट्स और एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट्स। इस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सेवन हो गया, दैट्स व्हाई टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दैट इज इक्वल टू 7 × 4 28 टाइप्स पॉसिबल है। बट ड्यू टू एटमोस्फेरिक कंडीशंस ओनली 14 टाइप एग्जिस्ट। तो जैसे अपन लिखेंगे कि भाई क्यूबिक है, क्यूबिक के लिए विल राइट दैट जैसे ये क्यूबिक है तो क्यूबिक के लिए दिस कैन एग्जिस्ट, दिस कैन एग्जिस्ट, दिस कैन एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। एंड सेंटर्ड जो शेप होगा वो क्यूबिक में पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये शेप क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कभी शेप, मतलब ये अपन ऐसे लिख लेते हैं। फिर अपन कहेंगे जैसे अपने पास गिवन है हेक्सागोनल में ये एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, मतलब हेक्सागोनल का एक ही होता है। तो अभी इन दोनों में से आपने 28 में से 4 तो कम कर दिए, तो एक क्यूबिक का कम हो गया और 3 हेक्सागोनल के कम। तो ऐसे अपन इन सब में भी कम कर सकते हैं। तो ठीक है, कम कर सकते हैं। तो अब तुम एक बात देखो, यहां पर जो क्यूबिक हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ऑर्थोरैम्बिक ऐसे ना 2-3 बार आप पढ़ोगे इसको तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। मैंने ये जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स है ना इनको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। इनको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। तो आपको याद रहेगा क्यूबिक होता है, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल और ट्राइक्लिनिक होता है। अब इनमें से जैसे क्यूबिक के 3 एग्जिस्ट करते हैं, क्यूबिक के 3 एग्जिस्ट करते हैं, हेक्सागोनल का एक ही एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक के 4 ये चारों एक ही क्रिस्टल शेप में है ऑर्थोरोम्बिक। आप ये नंबर याद रखो, इसका सम 14 आ रहा है। देखो हिंदी मदर टंग है तो मुझे हिंदी में याद रखते हैं, इंग्लिश में याद नहीं रहते हैं। 3-1-2-4-1 ऐसे, मतलब एक होता ना, पर को फोन नंबर याद होते हैं वैसे, तो मुझे हिंदी में ही याद रहता है। 312-41-21 हमेशा याद रहता है। ऐसे भी उठाओगे तो भी, सोने में भी उठाओगे तो भी बता दूंगा भाई, वो बता दो कितने क्रिस्टल होते हैं तो वो बता दूंगा। वो नंबर याद करना पड़ेगा टोटल जो है। अब अपन को ये पता चल गया कि चारों तो सर ये एक ही क्रिस्टल शेप में है और वो है ऑर्थोरोम्बिक, उसके अलावा चारों की किसी के भी चारों एग्जिस्ट नहीं करते, सबका कोई ना कोई काम हो रहता है। और हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक इनका तो एक ही होता है ऊपर वाला बस, मतलब सिंपल वाला तो सबके एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मतलब जिसका 1 है वो यही है। अच्छा एक और बात, मतलब इसमें ना इनसे नहीं करना कि अच्छा ये क्यूबिक का 3 वाला एग्जिस्ट करता है, हेक्सागोनल का 1 वाला एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक का 2 वाला एग्जिस्ट करता है, ऐसे गड़बड़ नहीं कर देना। बोलो तो ABCD लिख देता हूं।
ये अरेंजमेंट है, सबका सम 14 आ रहा है। अब इसमें मतलब एक जगह प्रॉब्लम आएगी। बस सर क्यूबिक तो आपने बता दिया कि ये तीनों होते हैं, अब ये बताओ कि मोनोक्लिनिक में ये तो सभी के एग्जिस्ट करेगा, वो तो मुझे समझ में आ गया कि जिसका वन लिखा हुआ है वो एक लिखने लिखना है, लेकिन जिसमें टू लिखा हुआ है उसका क्या करें? टू वाले में ये समझू या ये और ये समझू या फिर ये और ये समझू या फिर ये और ये समझू, टू वाले का क्या करें? तो अपन क्या ना बॉडी सेंटर को अपन लिख लेते हैं बी से, बॉडी सेंटर को अपन लिखते हैं बी से और फेस सेंटर को एफ सी और एंड सेंटर को ई सी, ऐसे लिखते हैं। तो अपन ऐसे कर लेंगे भाई, देख जो एंड सेंटर है ना उसके लिए अपन ओम बना लेते हैं, इसका तो एंड सेंटर हो गई होगा सर, मतलब मोनोक्लिनिक में एक तो सिंपल होता है और दूसरा एंड सेंटर होता है, ये एक ओम जैसे याद भी रहेगा। एक ओम का रहना ऐसे होता ना, तो अपन को याद भी रहेगा एक ओम जैसे। तो एंड सेंटर सिर्फ दो ही में ही एग्जिस्ट करता है, ये तो मैं इसमें तो हो नहीं होना था, और मोनोक्लिनिक में बाकी जो लिखे हुए हैं वो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं 1 2 3। इसके अलावा जैसे इसके दो है ना टेट्रागोनल, तो सिंपल बॉडी, इसके दो, इसके तीन थे तो सिंपल बॉडी फेस, इसका वन है उसका वन ही होगा। और मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोस्ट सिमेट्रिक है और ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, लेकिन यहां कोई सीक्वेंस नहीं है सिमेट्रिक का। लेकिन वो बाय चांस आ गया ये मोस्ट सिमेट्रिक। अभी अपन ने देखा था 23 टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, अनसिमेट्रिक। तो जो एंड सेंटर है ना वो दो में ही एग्जिस्ट करेगा, ए ओ में एक ओम। अब एंड सेंटर को ई सी याद रखो, वो तो एंड सेंटर अपन को पता रहेगा, ई सी मतलब एंड सेंटर, तो ओ एम मतलब ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ठीक है, मुझे ये पता चल गया। और इस वर्ड को ध्यान रखना अच्छे से कि मुझे क्रिस्टल शेप पूछ रहे हैं या टाइप ऑफ अरेंजमेंट के शेप पूछ रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट पूछ रहे हैं, ये क्रिस्टल शेप, क्रिस्टल शेप लिखेंगे तो ये होता है क्रिस्टल सिस्टम, और शेप ऑफ द यूनिट सेल ये होंगे, बॉडी सेंटर्ड सिंपल फेस सेंटर्ड, ये शेप ऑफ यूनिट सेल है। नहीं तो कई बार क्या करते हैं शेप ऑफ यूनिट सेल ये बता दिए, हो गया काम मेरा, वैसे नहीं करना, शेप ऑफ यूनिट सेल। टीई में दूसरा वाला बॉडी सेंटर्ड होगा, बिल्कुल ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपन बात करेंगे एजेस की। अपन एज की बात करेंगे ए बी सी। एक बार इनमें ना, अब इस वर्ड पे आ जाओ आप, तो इसको याद रखो कैमॉट, मैं भी ऐसे याद रखता हूं, कैमॉट मुझे पता रहता है, सी एच एम ओ आर टी ई टी आर कैमॉट, तो कैमॉट याद रखता हूं उसमें, वो सी एच एम ओ आर टी ई टी आर, तो उसमें सब कुछ याद रहता है मुझे। अब मैं एजेस की बात करूंगा तो इसमें से कैमॉट से निकालूंगा सी आर, आप याद रखो जैसे रखना सेंट्रल रेलवे जो भी है किसी का नाम रख दो, एच टी हिंदुस्तान टाइम्स
और MOT. अपने भी लिखित है जिस क्या होता है ये ना जिस ये ना जिस. तो इसमें क्या होता है ना सीआर में, इसमें सारे एजेस इक्वल होते हैं. तो अपन कहेंगे होने चाहिए सर, क्यूबिक है और रोम्बोहेड्रल है, सारे इक्वल होंगे. भाई क्यूबिक शेप क्या होता है अपन को पता है अच्छे से, क्यूबिक क्या होता है अपन बना देता हूँ. ये लो क्यूबिक हो गया, ये लो क्यूबिक हो गया. अब क्यूबिक में क्या, तो अपन कहेंगे इस क्यूब को, तो क्यूब अपन ने बनाया, इसमें सारे एज लेंथ इक्वल होंगे. अगर क्यूब है तो एज लेंथ इक्वल होंगे ही होंगे. अब इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, सीधे खड़ा हुआ ना, इसको टेढ़ा कर दो तो रोम्बोहेड्रल बन गया. एजेस तो वही रहेंगे लेकिन एंगल चेंज हो जाएंगे. तो अपन एंगल की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना. तो अपन ऐसे बना कर रहे, ठीक है. अब अपन कहेंगे अच्छा इसमें बताओ, तो अपन कहेंगे ए इक्वल टू बी होता है इसमें, लेकिन नॉट इक्वल टू सी. और जहां टी आर होगा वहां तो कुछ इक्वल बता ही नहीं सकता, ऐसे बता दूंगा. हेक्सागन जी, ये हेक्सागन और क्यूबिक तो अपन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको पूरा बताया था. यही तो अपन को, यही शेप, ये तीन क्यूबिक वाले और एक हेक्सागन, यही तो अपन को क्लास में बहुत सारा पढ़ना है. बाकी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और अगर मैच द फॉलोइंग फ्रेम होगा तो इसी से होगा, या कोई मतलब मैच द फॉलोइंग इवेंट्स में भी आता है कैसे वो ऑप्शंस बना के. अब अपन एंगल्स की बात कर सकते हैं, तो एंगल्स की बात करते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स. अल्फा बीटा गामा. अच्छा फिर ऐसे भी ना तुम लोग क्या करना, जैसे अपन याद रखते ना भाई, जैसे रोम्बोहेड्रल है तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो रोम्बोहेड्रल हो गया. हेक्सागन तो ठीक है शेप अपन को पता रहेगा. अब जैसे टेट्रागोनल है, तो टेट्रागोनल अपन कैसे बताएंगे, अपन कहेंगे, तो अपन कहेंगे टेट्रागोनल का मतलब है जैसे रेफ्रिजरेटर होता है ना 265 लीटर वाला, मतलब उसकी हाइट बड़ी होती है लेकिन ऊपर फेस स्क्वायर और नीचे फेस स्क्वायर अलग होते हैं, उस टाइप से रेफ्रिजरेटर जैसे होता है. तो ऊपर वाले फेस ए इक्वल टू बी हो गए लेकिन उसकी हाइट डिफरेंट होती है रेफ्रिजरेटर, उस टाइप से अपन को तोड़ दिया जाता है. तो एक एंगल तो अपन ले लेते हैं कि देखो भाई कॉट, एक एंगल अपन ले लेंगे कॉट. तो अपन कहेंगे सर ये कॉट क्या है, पहले तो ये बताओ. तो अपन कहेंगे कॉट मतलब वो कॉट थीटा वाला नहीं, ये कॉट अलग है. कॉट मतलब इधर से अपन ने बनाया, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है और टेट्रागोनल है, ये वो वाला कॉट है, वो वाला कॉट नहीं है. तो देखो सीआर सेंट्रल रेलवे या जैसे भी आप याद रखो, एचटी हिंदुस्तान टाइम्स, थोड़ा मतलब थोड़ा अगर इजी हो जाए अपन को याद रहने वाला पार्ट कुछ बता दे कोई, तो अपना काम हो जाता है. तो कॉट में क्या होगा, अल्फा इक्वल, अब क्यूबिक है ना कॉट में, इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला कॉट में. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, जहां क्यूब होगा वहां 90 डिग्री तो हो ही जाएगा. वो टेट्रागोनल रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा था 265 लीटर. आप चाहो तो वो 265 लीटर घर में पूछ लेना कि भैया अपना फ्रिज कितना लीटर्स का है ये बता दो. अब बड़ा वाला डबल डोर नहीं होना चाहिए, वो भी होगा तो भी उसका भी वही शेप होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अपन कॉट बोल सकते हैं. अब कॉट के बाद तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना अब कोई ऐसे वर्ड नहीं बनते हैं, जैसे अलग से ही बनाना होता है मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल, ये थोड़े अलग ही बनाना होता है. इसमें बन रहा था बढ़िया तो मैंने बना दिया कि सारे के सारे 90 थे,
अब मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल में आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। अब इसमें जैसे हेक्सागन होता है तो अल्फा इक्वल टू बीटा होता है एंड दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी वही होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है बट नॉट राइट ना 120, बट गामा ऑल्सो नॉट 90 डिग्री, अपन ऐसे बता सकते, बट अल्फा इक्वल टू बीटा होता है। और रोम्बोहेड्रल अपन लिखेंगे तो आर में अपन कहेंगे दैट इज, अब रोम्बोहेड्रल अभी तो बताया था आपने, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो ये सारे 90 थे, उसके साथ अगर इसको टिल्ट कर दोगे तो इसमें से कोई भी 90 नहीं होगा, लेकिन सारे राइट ना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा लेकिन कोई भी 90 नहीं होगा, बट नॉट इक्वल। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं। और ट्राइक्लिनिक वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके तो नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, क्योंकि ये तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ये आपका क्रिस्टल सिस्टम हो गया, इसको अच्छे से याद करना, इसको अच्छे से पढ़ना, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कंटिन्यू करेंगे।